हाय एवरीवन, कैसे हुआ आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने इंटरनेट की स्पीड एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना बढ़ा सकते हो। जैसे आपका इंटरनेट चलता है, जैसे कि अगर स्लो चलता है तो आप उसकी स्पीड तीन गुना बढ़ा सकते हो। तो ये सेटिंग कैसे करना है और इसके लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है आपके फ़ोन में, आप काफ़ी आसानी से अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हो खुद से ही। तो ये सर कुछ जानने के लिए वीडियो को आपको स्टेप बाई स्टेप पूरा देख लेना है और इस तरीके से आपकी भी इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो YouTube ऐप को मैंने ओपन किया हुआ है, और जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे जो वीडियो है वो ओपन हो पा रही है। तो इस तरीके से तभी वीडियो ओपन होती है या हम किसी से वाईफाई कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी वाईफाई कनेक्ट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं जो इंटरनेट है अपने फोन का, इसी पे ही ये जो है आपको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ सभी वीडियो, और यहाँ पे देखिए कितनी स्पीड में सभी वीडियो ओपन हो रही है। तो ये स्पीड इस तरीके से कैसे बढ़ेगी आपके फोन में, सारा कुछ जानने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेना है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन और वहां पे आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों आज के मोबाइल स्क्रीन पे और यहां पे आपको अपनी इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए दो सेटिंग करनी है। दो सेटिंग करने के बाद आपका इंटरनेट इतनी स्पीड में चलेगा जितनी स्पीड में आपका पहले कभी भी नहीं चला होगा। तो देखिए ये सेटिंग करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि अभी प्रेजेंट टाइम पे मैंने कोई भी सेटिंग नहीं कर रखा है और अभी हमारा इंटरनेट जो है वो यहां पे ऑफ है। तो मैं इंटरनेट को ऑन करके और यहां पे आपको पहले YouTube ऐप को ओपन करके दिखाता हूं कि जो स्पीड है अभी के टाइम पे वो आपको किस तरीके से देखने को मिल रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं इंटरनेट ऑन कर लेता हूं और आपको मैं स्पीड दिखाता हूं कि अभी के टाइम पे क्या है। तो यहां पे देखिए मैंने इंटरनेट ऑन कर दिया है, उसके बाद में यहां पे मैं YouTube ऐप को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे देखिए हम YouTube ऐप को ओपन करते हैं तो हमारी जो फाइल्स हैं, जो वीडियो है, वो कितनी जल्दी ओपन होती है वो हम देखते हैं। तो यहां पे देखिए इंटरनेट ऑन है और वीडियो को हम ओपन करते हैं। यहां पे देखिए मैंने YouTube ऐप को ओपन कर लिया है और यहां पे देखिए जितनी भी वीडियो है वो ओपन होने में देखिए कितना समय ले रही है। यहां पे देखिए मैं स्क्रॉल करता हूं, यहां पे आप देख पा रहे होंगे सर्चिंग नीचे चल रही है। तो यहां पे जल्दी जल्दी जो फाइल है वो ओपन नहीं हो पा रही है। यहां पे आप फिर से देख रहे होंगे यहां पे काफी जल्दी जो फाइल है वो ओपन नहीं हो पा रही है, देखिए थोड़ा समय ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा समय लग रहा है यहाँ पे फाइल ओपन होने में, यहाँ पे सर्चिंग देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से देखिए अभी इतना स्पीड में नहीं चल रहा है, लेकिन अभी जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ वो सेटिंग करने के बाद आपका इंटरनेट काफ़ी स्पीड में चलेगा और यहाँ पे आपको सर्चिंग वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और फाइलें काफ़ी जल्दी जल्दी ओपन होंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आपका जो इंटरनेट का जो स्पीड है पहले आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। हो सकता है कि आपका जो इंटरनेट है वो इससे भी स्लो चल रहा हो इस समय। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट को फिर से ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटरनेट ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे इस ऐप को भी हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अब देखिए आपको सेटिंग क्या करनी है वो समझिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दो सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपको रियल टाइम जो स्पीड है उसे ऑन कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे नोटिफिकेशन बार है यहाँ पे जितने भी आइकन देखने को मिलते हैं जैसे बैटरी, नेटवर्क, तो यहाँ पे ये जितने भी जो आइकन देखने को मिलते हैं यहीं पे आपको एक रियल टाइम जो स्पीड होता है इंटरनेट का वो ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो पहले उसे आपको ऑन कर देना है, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी जो MB की स्पीड है कितनी ज़्यादा आ रही है आपको यहाँ पे देखिए। तो इसे ऑन करने के लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। हो सकता है आपको ये सेटिंग ना देखने को मिले तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑप्शन है हमें देखने को मिल चुका है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे अलग अलग सेटिंग देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको फर्स्ट में ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। यहाँ पे ये ऑफ पड़ा हुआ है तो इसे आपको ऑन कर देना है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो नोटिफिकेशन बार है जहाँ पे बैटरी का आइकन देखने को मिलता है, नेटवर्क का आइकन देखने को मिलता है, यहीं पर आपको एक स्पीड का आइकन भी देखने को मिलेगा। देखिए मैं जैसे यहाँ पे ऑन करता हूँ तो वहाँ पे आपको एक आइकन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया है और अब मैं जैसे इंटरनेट ऑन करूँगा तो हमें यहाँ पे एक आइकन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे KBPS के अंदर हमें जो है आइकन देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए इसे ऑफ़ करते ही यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा और इसे ऑन करते ही यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। अब हमने ये सेटिंग तो ऑन कर दिया है कि हमारा जो स्पीड है वो कितना है हम देख पाएँ। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, थोड़ा बैक करना है और फिर से आपको यहाँ पर सेटिंग में एक सेटिंग और करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल नेटवर्क पर आपको क्लिक करना है, जो भी सिम आप यूज़ करते हो, जो भी आप नंबर यूज़ करते हो उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं ये नंबर यूज़ करता हूँ तो मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एक्सेस पॉइंट नेम्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए नीचे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आप सिम यूज़ करते हो, तो यहाँ पे मैं जियो का यूज़ करता हूँ तो इसी के यहाँ पे आपको बगल में देखने को मिल जाता है आई बटन, इस आई बटन पर आपको क्लिक करना है। आई बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको यहाँ पर एक सेटिंग करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है LTE, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है और जो फर्स्ट वाला है यहाँ से आपको टिक हटा देना है।
अच्छे से समझिए। LTE जहाँ पे लिखा हुआ है इसे आपको टिक कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेव करने का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद में हमें बैक चले जाना है, और यहाँ से हमें क्या करना है, बैक चले जाना है, सेटिंग से बाहर आ जाना है। यहाँ पे देखिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब दोस्तों हमारा सारा सेटिंग हो चुका है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरनेट को ऑफ़ करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर फ्लाइट मोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए फ्लाइट मोड को आपको ऑन करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको फ्लाइट मोड को फिर से ऑफ़ कर देना है, और फिर से यहाँ पे आपको इंटरनेट को ऑन कर लेना है। बस दोस्तों हमारी दो सेटिंग हो चुकी है। अब देखिए आपका इंटरनेट का जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये सारा सेटिंग हो चुका है। अब देखिए दोस्तों आपको मैं इंटरनेट स्पीड है जो चेक कराता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा इंटरनेट ऑन है, यहाँ पे मैंने कोई भी वाईफाई कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अब देखिए मैं आपको फिर से यूट्यूब की ऐप ओपन करके यहाँ पे स्पीड टेस्ट कराता हूँ, और यहाँ पे आप ऊपर भी देख पाओगे कि जो हमें स्पीड मिलेगी वो हमें कितनी स्पीड मिल रही है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे जो भी आपकी स्पीड होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो हमारे बिल्कुल भी यहाँ पे आपको सर्चिंग देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ, देखिए कितनी फास्ट कर रहा हूँ, सभी वीडियो यहाँ पे ओपन है, हमें यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता है, ऐसे यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है जैसे कि हमने वाईफाई कनेक्ट किया हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने फ़ोन का इंटरनेट ही ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसी पे कितनी जल्दी जो फाइलें हैं वो ओपन हो पा रही हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी जल्दी काफ़ी फास्ट यहाँ पे देखिए जो वीडियो है वो ओपन हो पा रही हैं। तो इस तरीके से आप भी ये सेटिंग करके अपनी इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी आसानी से वीडियो देख सकते हो, जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये सारा सेटिंग कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।